मकदार मौजूद होती है। इसके अलावा इसमें मौजूद होते हैं विटामिन ए, B1, विटामिन सी, बायोटिन और पोटेशियम, जो हमारी स्किन के लिए बहुत मुफीद है। उम्मीरा हील आज आपको सिखाने जा रही है खीरे से बनी बहुत ही कारामद रेमेडी, जिसका इस्तेमाल आपकी रंगत को निखार देगा और वो भी ऐसे कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। तो फिर इंतजार किस बात का, चलिए सीखते हैं इस रेमेडी को। और मैं आपके साथ हूँ जी, बताइए मुझे हम क्या करने वाले। अच्छा, हम बना रहे हैं खीरे से। ओके। जैसे मैंने आपसे कहा कि लगाने की हम बात करते हैं तो सिर्फ फेस पे लगा रहे होते हैं, हाथ पे, लोग गर्दन तक भी नहीं जाते। ओके। वो कहते हैं कहाँ इतनी मेहनत से बनाए, सिर्फ मुंह पे ही लगा लो। तो अब उसमें होता है कि सुस्ती भी चढ़ती है। अच्छा, जो चीज मैं बना रही हूँ वो बहुत ही आसान है। अच्छा, उसमें ये नहीं है कि सिर्फ रंग गोरा होना, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, जैसे अगर हमारा जिगर सही काम नहीं कर रहा है तो हमारे डार्क सर्कल्स भी आएंगे, पिगमेंटेशन भी आएगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। अगर हार्मोन सही नहीं है खवातीन के तो भी उनके चेहरे पे छाइयां भी आएंगी। अच्छा, जिगर दोस्त को भी बोलते हैं। हाँ, हमारे एक दोस्त है सारा बलोच, तो वो हर काम में कहती है, हर किसी को कैमरा में भी कहते हैं जिगर सही शॉट तो ले लो। तो वो तो जिगर मतलब तो मैं नहीं कहती, फैसल को बोलती है। मतलब उसके बगैर आपकी बॉडी काम नहीं करेगी, काम नहीं करेगी। तो वो जिगर का मतलब जिगर इतना प्यारा है कि उसके बगैर आप चल नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये है कि इसके लिए जैसे अभी बताया कि खीरे में 80% पानी होता है, तो खीरे के साथ जो हम ड्रिंक बनाएंगे ये आपके हार्मोन्स को, खवातीन के हार्मोन्स को बैलेंस करता है। okay. लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है। जब जिगर अपना प्रॉपर काम करेगा, खून अच्छा बनेगा तो रंग साफ होता है। okay. और जिनके पिगमेंटेशन होती है, छाइयां होती हैं या ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, उसके लिए भी लिवर का सही होना बहुत जरूरी है। सही है। अच्छा, हमने क्या किया, सबसे पहले खीरे का जूस निकाला है। ठीक है। अच्छा, खीरे का जूस क्या, बहुत आसान तरीका है कि आपने खीरा लिया, छीला, ब्लेंडर में डाला, उसको ब्लेंड कर लिया। सही। उसके बाद किसी भी छलनी से या मलमल के कपड़े से उसको छान लिया। ओके। ठीक है। अब ये आपका बिल्कुल प्योर जूस निकल आया, या एक्सट्रैक्टर के अंदर निकालेंगे तो ये जो खोके ये बच जाएगी। अच्छा, इसको आप एज ए स्क्रब या डार्क सर्कल्स के लिए या मसाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो खीरे का जूस निकाला आपने, इसको एक तरफ रख लिया। एक छोटी प्याली पानी में, गर्म पानी में 5 अदद किशमिश, छोटी वाली सर्व किशमिश, और 1 चुटकी जीरा। ओके। ये रात भर भिगो के रखेंगे। रख दिया। सुबह जब आप ये रात भर भिगोया है आपने, और जब सुबह आपने जूस निकाला है, सुबह तकरीबन 10 से 11 बजे का टाइम होता है इसको पीने का। सही है। इसमें ये आप किशमिश मिलाएंगे। ओके। और थोड़ा सा जीरा। ये मजे का लग रहा है, ये बहुत मजे का। पूरा पानी पीने की जरूरत भी नहीं है, आप थोड़ा सा कुछ छान के डाल सकते हैं। ओके। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ किशमिश की खास बात क्या है, कि अगर खाली लोग रात को भिगो के किशमिश और जीरा सिर्फ पानी पी लेते हैं या किशमिश खा लेते हैं तो उनके चेहरे पे चमक आ जाती है। ठीक है। मुरझाए हुए जो चेहरे होते हैं वो फ्रेश हो जाते हैं। जैसे इस वक्त बहुत टेंशन में लग रहे हैं शाहनज़ीर, इनको अगर हम पिलाएं तो ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और भागते दौड़ते फिरेंगे, तस्वीरें खिंचवाते रहेंगे। आपको लग रहा है नहीं, ये बहुत बड़ा मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है। मैं तो शायद तुम नजीर भाई को कह रही हो। नहीं, मैं तो ऐसे भी नॉर्मल। ओके, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा। बहनों के साथ ऐसा ही होता है। ठीक है। अच्छा जी, ये आप उनसे पूछ लें वो क्या सोचते हैं। वो मैं उनकी बड़ी बहन हूँ, उन्होंने बहन बना लिया। अच्छा, एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई, बड़ी बहन कैसे हो गई? ये बड़ी बहन कैसे हो गई? नहीं, हो सकता है ये उम्र में मुझसे बहुत छोटी हो। जी हाँ, ठीक है ना, लेकिन मैं हमेशा इन्हें बाजी का लगभग देता। अच्छा, बाजी जो प्यार में कहते हैं। कभी भी मैंने इनका नाम नहीं लिया। अच्छा, तो नाम लेंगे तो मैं माँ बन जाऊंगी ना उनमें। अच्छा जी, बताइए। अच्छा जी, अरे ये जो है आपने मिक्स किया है, और ये सुबह के वक्त पीना 10 से 11 बेस्ट टाइम है। ओके। 21 दिन पीते हैं तो वो बच्चियां और खवातीन जो शिकायत करती हैं हार्मोन्स का बड़ा इशू है, चेहरे पे छाइयां आ रही हैं, ब्राउन स्पॉट्स हो रहे हैं, रंग डल हो रहा है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि पूरी स्किन ब्लैक होना शुरू हो जाती है, उनके लिए ये बहुत जबरदस्त चीज है। अच्छा, एक बात बताइए, कितने दिन पीना है? 21 डेज। 21 दिन। yes. और 21 दिन में रिजल्ट आ जाएगा? बिल्कुल, इंशाल्लाह। अच्छा, एक बार और प्लीज बता दीजिए एग्जैक्टली बनाना कैसे है, ताकि हमको एग्जैक्टली पता हो कि करना क्या है। अच्छा जी, ये रंग गोरा करने के लिए है, 21 दिन का ये इस्तेमाल आपको करना है ये रेमेडी, और क्या चीज है ये आपको मेरा हेल्प बताएंगे एक बार फिर। खीरे का जूस निकालना है, प्योर जूस, उसकी जो थोक है वो निकालना है। एक खीरा काफी है? एक खीरा बहुत है। एक खीरा काफी, ठीक है। मतलब इतना तकरीबन इतना जूस बहुत होता है। ठीक है, ठीक है। एक छोटी प्याली के अंदर आपने 5 अदद सब्ज किशमिश और 1 चुटकी सफेद जीरा, ठीक है, इसको भिगो के रखा रात भर के लिए। सुबह जो है वो किशमिश और जीरा इसमें डाल दें, अगर पानी डालना चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं, बहुत थोड़ा सा पानी ऐड होगा। ठीक है। सुबह 11 बजे जो है आपने ये पीना है, और 10 से 11 नाश्ता किए हुए तकरीबन 2-2.5 घंटे। 10 से 11 प्लीज देख लीजिए, 10 से 11 बजे, इस वक्त 10 से 11 बज रहे हैं और ये लाइव शो है, तो इसलिए मैं इस वक्त शाहनज़ीर को पिलवाने जा रहा हूँ।